फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ एक ऑर्नामेंटल ब्यूटीफुल से प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ, इंडोर प्लांट के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है वो प्लांट, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए, मेरे गार्डन में हिबिस्कस कितने ज़्यादा सुंदर सुंदर से खिले हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने फ्लावर भी दिखा देती हूँ आपको, और यहाँ पर भी देखिए कितने सुंदर सुंदर से फ्लावर आए हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल से प्लांट और फ्लावर हैं। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको अपने प्लांट को। तो ये प्लांट है अरेलिया का। अरेलिया का प्लांट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। और ये देखिए, यहाँ पर मल्टीपेटल हिबिस्कस बहुत ब्यूटीफुल सा है। ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस ही है मेरा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये भी। तो ये देखिए, मेरे पास अरेलिया की 3-4 वेरायटी हो गई है अभी। तो पहले तो ये सिर्फ मेरे पास यही प्लांट बस थे, इसके प्लांट लेकिन बहुत सारे हैं मेरे पास। लगभग चार या पाँच प्लांट हैं मेरे पास इसके। एक देखिए यहाँ पर भी है, ये मैंने सारे कटिंग से ही ग्रो किए हैं। तो अरेलिया का जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसको देखिए, बोनसाई शेप में मैंने इसको बनाया हुआ है, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये भी मेरा प्लांट कटिंग से ही तैयार हुआ है। मैंने इसको बिल्कुल नर्सरी से लेकर नहीं आई हूँ, मैंने जो मेरे पास एक बड़ा प्लांट है उसी की कटिंग से मैंने ये सारे प्लांट अपने तैयार किए थे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट है और इसकी पत्तियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि आप इसको मतलब देखेंगे तो बिल्कुल मन करेगा आपको लेने का, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसमें देखिए, मेरे पास लगभग 3 या 4 वेराइटी है। तो एक तो ये बड़े पत्तों वाली है, बहुत ब्यूटीफुल से ये ग्रीन और थोड़ा येलोइश सा कलर है इसका, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये भी। और ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऐड किया अपने गार्डन में। और एक ये वाला है, इसकी तो बताया मैंने आपको, कई सारे मेरे पास प्लांट है। एक ये वेराइटी है, ये बिल्कुल बॉल अरेलिया बोलते हैं इसको, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और देखिए कितनी ज़्यादा यानी साइनी इसकी लीव्स है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं ये। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे इंडोर, मतलब कि इंडोर हो, थोड़ी सी सुबह की 1 घंटे की धूप अगर मिल जाती है तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और इंडोर जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट होती है वहाँ पर भी आप रख सकते हैं। ये वाले तो बहुत ही हार्डी होते हैं, आप फुल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और एक ये वेराइटी है मेरे पास वेरीगेटेड, मैं इसको अभी न्यू ही लेकर आई हूँ और मैंने इसकी कटिंग भी लगा ली है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये भी। देखिए इसके जो लीव्स हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस इसकी केयर पे हम बात करने वाले हैं। तो केयर इनकी बिल्कुल बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ज़्यादा कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसको हफ्ते में 1-2 बार आप पानी दे दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि धूप में ये एकदम डायरेक्ट हम नहीं रखते हैं इसको। तो इंडोर प्लांट को किसी को भी मतलब 3-4 दिन से पहले पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट जब ख़राब होते हैं बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। जो प्लांट की रूट्स इतनी अच्छी डेवलप हो गई उनको तो फुल बारिश में भी रखा रहता है प्लांट, मतलब कि फुल पानी रोज मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये वाले प्लांट हैं इनको अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है तो ये ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा पानी की वजह से ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं ये वाले प्लांट जो हैं। और कंपोस्ट की बात करें तो आप जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनको आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दीजिए, बाकी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से ही हमारे जो इंडोर प्लांट होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेल्दी ग्रो होते रहते हैं। तो साल में 2 बार अगर आपने कंपोस्ट दे दी, एक फरवरी में दे दी और एक जैसे अभी जुलाई में दे दी, तो बहुत ज़्यादा यानी कि या तो सितंबर में दे दिया आपने, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है प्लांट के लिए। बहुत ज़्यादा हमेशा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से ओवर मतलब ग्रोथ हो जाएगी तो भी प्लांट उतना ज़्यादा फिर देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं। ज़्यादा लंबे लंबे से प्लांट हो जाते हैं तो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंडोर प्लांट्स की। और ये तो इतने अच्छे हार्डी प्लांट होते हैं कि इनको अगर आप खाद नहीं भी देते हैं तो भी आराम से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यही है, थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना है, मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी है। मिट्टी में आप इसकी मिट्टी, एक भाग मिट्टी, एक भाग सैंड, एक भाग कंपोस्ट, कंपोस्ट की मात्रा 20 या 15% रखिए, बहुत ज़्यादा कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी कोकोपीट आप मिला सकते हैं मिट्टी को और सॉफ्ट बनाने के लिए, तो थोड़ा मॉइस्चर बना रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस तरह से आप इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा 1/2 चम्मच फंगीसाइड या नीम खली जरूर मिलाइए, नीम खली का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हो। तो नीम खली आप अपने प्लांट में जरूर मिलाइए, थोड़ी सी 1/2 चम्मच या 1 चम्मच रखिए। और मैं तो अपने प्लांट की मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन बनाती हूँ, मेरी मिट्टी लगभग सेम ही होती है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सैंडी सॉइल में मैंने इसको लगा के रखा है, ऊपर से इसमें मैंने बजरी डाल रखी है और बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल तैयार करती हूँ मैं अपने प्लांट के लिए। देखिए इसकी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो गई तो मुझे इसको पानी देना पड़ेगा। मिट्टी जब इस तरह से थोड़ी सी ड्राई हो जाए तभी आप इनको पानी दीजिए, तो प्लांट आपके काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो होते रहते हैं।
और कटिंग से मैंने बताया आपको, कटिंग से बहुत आसानी से आप अरेलिया के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, आप चाहे तो इनकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने भी देखे यहाँ पे लगाई हुई है, और इनके तो मैंने हर साल एक दो कटिंग लगा ही देती हूँ, तो वो प्लांट तैयार होते रहते हैं। इसकी मैंने कटिंग कुछ दिन पहले प्रून किया था, तो एक कटिंग लगा दी थी, वो भी ग्रो हो गई है मेरी दूसरे गमले में। किसी भी गमले में किसी भी मिट्टी में आप इसकी कटिंग को लगा दीजिए तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो बस इस तरह से आप इनको अच्छे से केयर कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इनकी कुछ केयर भी नहीं करनी पड़ती, तो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कम जगह है, तो छोटी सी बालकनी वगैरह है, तो आप इस तरह के प्लांट लेकर के वहाँ पर रख सकते हैं, लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, और केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, इसलिए और ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। तो बस यही सब, इसकी थोड़ा सा आप ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ भी करते रहेंगे। बिल्कुल फुल सनलाइट में एकदम मत रखिए प्लांट को, बस ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे सुबह की एक घंटे की या दो घंटे की धूप मिल जाए, तो उतने में प्लांट आपके काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे, ग्रीन रहेंगे और काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, और इंडोर भी मतलब कि ऐसी जगह रखते हैं जैसे सिर्फ ब्राइट लाइट आती है, धूप बिल्कुल भी न मिले, तो भी इनका जो कलर है बिल्कुल ग्रीन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब भी खूबसूरत लगते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह से स्पेस हो आप उस तरह से इनको रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि धूप देना भी ज़रूरी है, पर हर प्लांट को थोड़ी ना थोड़ी धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए सुबह की भी अगर एक घंटे की धूप मिल जाती है प्लांट में तो काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो होते रहते हैं, इनका फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलता रहता है। और नीचे की सूखी हुई पत्तियाँ वगैरह हों, कुछ हों, तो इस तरह से आप कट बिल्कुल निकाल दीजिए। जैसे ये देखिए बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं, तो थोड़ा सी ये चीज़ें सब चीज़ ध्यान देते रहिए, नहीं अंदर अंदर सूखता रहता है। इस प्लांट में खासकर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस तरह से नीचे से लीव्स सूख रही हैं, तो आप इनको बिल्कुल कट करके हटा दीजिए। प्लांट को क्लीन रखिए, गमले को क्लीन रखिए बिल्कुल, तो प्लांट आपके काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। बस बीच बीच में वही आपको अगर लगे तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या नीम खली दे दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट ग्रो होते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।